एक सवाल है, कहिए तो पूछ ले, मगर डर लगता है कि कहीं आदि जी नाराज ना हो जाए। अरे हो जाए तो हो जाए, व्हाट गोज अप माय फादर। अगर आपको कोई दिल बोले हड़प्पा की सीढ़ी बेचेगा तो क्या आप 5 रुपए में खरीदोगे? नहीं। अच्छा 2.5 में? अरे आप 2 में ले लो यार, वाजिब दाम लगाया सर जी। वो भी नहीं, क्या औकात हो गई है यार इस फिल्म की। दिल्ली से सटे गाँव बवारी खेड़ा के ताऊ लखनबाल जी कहते हैं कि बस जी, स्टार्ट से एंड तक प्रॉब्लम की असली जड़ है रानी मुखर्जी। पहले तो मैन का फैन था और जो मैंने रानी को फिल्म में जनाना से मर्दाना बनते देखा तो छौक में आ गया। 2 गाली दी मन में, ये तो रोटी सेकण के काम ना आने वाली क्रिकेट खेलती है। वैसे भी टाइम बदल गया, आप खुद ही समझ लो जी। आजकल बस चचा ताऊ की नजर ही रहे रानी टाइप हीरोइनों पे, बाकी नवे छोकरे तो बस कैटरीना की रट लगा हुए हैं। बस जी, जैसिका वैसिका के बाद तो समझो संन्यास का टाइम आ गया है। अब आदि के क्या विचार है थारे बारे में ये तो पता नहीं है, लेकिन आपके पुराने रिश्तों से एक टाइम पर हमें क्या पूरे देश को बड़ी उम्मीदें थी रानी जी। जैसे आपका प्यार गोविंदा के साथ, जिसके चलते गोविंदा जी के घर में तो मानो भूचाल सा आ गया था, और फिर नंबर लगा ए बी बेबी का। लगता है इनके पप्पा ने सही टाइम पे बाहर खींच लिया। वैसे दाद देनी पड़ेगी, आपने आज तक एक बार भी ये सब कबूला नहीं है भाई। वाह, अभी भी टाइम है जी, आदि चोपड़ा को समझा लो रानी जी और बना लो उन्हें अपने प्यार का गुलाम। That's it. ये आपकी सारी फिल्मों की टोटल कॉस्ट से भी एक्सपेंसिव एडवाइस है। मानना है तो मानो, वरना तो आप और आदि जानो। तो रानी है नंबर 3।